साथियों, इस संवेदना यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है देश के सूखा प्रभावित इलाकों में जाके परिस्थिति क्या है उसका जायजा लेना, लोगों की बात सुनना और उसे पूरे देश के सामने रखना। इस उद्देश्य को लेकर हम कर्नाटका तेलंगाना होते हुए पिछले 4 दिन से महाराष्ट्र में रहे हैं और आज इस प्रेस वार्ता के जरिए हम पूरे महाराष्ट्र के बारे में हमारा क्या मूल्यांकन है और क्या सुझाव है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। पिछले 4 दिन मराठवाड़ा के सभी जिलों और उसके अलावा शोलापुर और जलगांव इत्यादि में जाने के बाद हमारी ये समझ बनी है कि इस वक्त महाराष्ट्र में किसान, खेती मजदूर के सामने बहुत गहरा संकट। ये संकट केवल इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से नहीं, ये संकट इस वजह से भी है कि पिछले 3 या 4 साल से बार बार वर्षा कम हो रही है। कई जिलों में तो 4-4 साल से दुष्काल चल रहा है। सारी तरफ किसान में एक तरह का कि हताशा है, निराशा है। महाराष्ट्र के किसान में बहुत संकल्प है, बहुत हिम्मत है, लेकिन फिर भी हमें लगा कि आज महाराष्ट्र का किसान बहुत तकलीफ से गुजर रहा है और ऐसे में जिस तरह के सहारे की